नीचे एक रूम। वीडियो के शुरू में आपने कुछ एनिमल्स को देखा जो कि 3D में देख रहे थे और वो एनिमल्स मेरे घर में थे। चौंकिए मत, इन एनिमल्स को आप ही 3D में देख सकते हैं और इन एनिमल्स को आप ही अपने घर में देख सकते हैं, क्योंकि गूगल ने हाल ही में एक नया फीचर ऐड किया व्यू इन 3D। इस फीचर का यूज करके हम किसी भी एनिमल ऑफ क्रिएशन को 3D में फील कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस फीचर को इस्तेमाल कैसे करना है। एनिमल का 3D व्यू देखने के लिए सबसे पहले क्रोम ऐप को ओपन करेंगे, फिर गूगल सर्च बार में किसी भी एनिमल का नाम सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइगर सर्च कर रहा हूँ। जब आप किसी एनिमल का नाम सर्च करें, जैसे टाइगर मैंने सर्च किया है, टाइगर के इमेज के साथ टाइगर का इन्फॉर्मेशन और फिर उसके नीचे व्यू इन 3D के साथ एक 3D टाइगर दिखाई देगा। बस आपको व्यू इन 3D पर क्लिक करना है, फिर आपको वेट करना है। फिर आपको जब 3D टाइगर दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप टाइगर का फुल 3D व्यू देख सकते हैं। उसके बाद टाइगर के नीचे व्यू इन योर स्पेस का एक ऑप्शन है। व्यू इन योर स्पेस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने फोन को अपने सराउंडिंग में कहीं भी मूव कीजिएगा और फिर आपने जिस एनिमल को सर्च किया है वो एनिमल्स आपके घर में दिखाई देने लगे, आपके फोन में दिखाई देने लगा। उस एनिमल का आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे काफी एनिमल्स का 3D व्यू दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और अभी आपके स्क्रीन पर कुछ एनिमल्स के नाम, जिन एनिमल्स को आप 3D देख सकते हैं, और यही एनिमल्स गूगल पर 3D व्यू में अवेलेबल हैं। अगर आपके फोन में व्यू इन योर स्पेस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और नहीं दिख रहा है, तो फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर सर्च करें गूगल AR और फिर इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लें या फिर इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू सून।